फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिप्टो नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के मूव के बारे में, बिटकॉइन करंट प्राइस के बारे में और तीन ऐसे मीम कॉइन के बारे में जो पहले से सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, वो फ्यूचर में कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन लेते हैं। बिटकॉइन हिस्ट्री में पहली बार $1,00,000 क्रॉस कर गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि $1,00,000 क्रॉस किया है, तो वॉट नेक्स्ट? तो अभी जैसे कि हालविंग के बाद जो दिसंबर मंथ है, एज पर हिस्ट्री, ये हमेशा ही बुलिश रहा है। अदर देन मंथ एंड में जो फेस्टिवल सीज़न है, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो वेल्स हैं वो बिजी रहते हैं फेस्टिवल सीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे मार्केट डाउन रहेगी। लेकिन जैसे ही आफ्टर 1 वीक ऑफ जनवरी, ये फिर से वैसे ही बुलिश रहेगा, और एज पर हिस्ट्री जनवरी मंथ भी बुलिश रहता है। तो ये तो रहा बिटकॉइन के बारे में। तो अब लेते हैं पहला एनालिसिस मीम कॉइन के बारे में। तो एक तो सबसे पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है, वो है शिबा इनू, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 0.4x03118 3142 अभी डॉलर चल रहा है इसका प्राइस। और ये अपने ATH से सिर्फ 63.9% डाउन है। तो यानी अगर ये वापस अपने ATH को टच करता है, तो यहाँ से 2.5x ही जाएगा। लेकिन ये कम्युनिटी ड्रिवन है और ये काफ़ी, इसकी जो कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इससे अभी यहाँ से उम्मीद की जा सकती है 5 to 6x ये हमें यहाँ से दे सकता है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ से इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से हम 5 to 6x देगा। तो यहाँ से आप इसे करंट, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर किसी ने पहले से होल्ड किया है तो इसे होल्ड रखें, क्योंकि अभी यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ है और इसमें ऑल्ट कॉइन में जैसे ही रैली आएगी, यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट कॉइन है वो लेते हैं डोज कॉइन। डोज कॉइन का जो करंट प्राइस है वो चल रहा है $0.44, और ये अपने ऑल टाइम हाई जो 73 सेंट था, 40% डाउन है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये $1 को टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में 2 या उसके ऊपर भी जाएगा। ये 2 या 2 या $2.5 तक जाएगा, क्योंकि इसे एलन मस्क डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। अगर ये अपने ऑल टाइम हज को, जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था 73 सेंट, वहाँ पे अगर ये टच करता है, तो ये अभी ऑलरेडी काफ़ी अप है, तो वहाँ से सिर्फ 1.5x देगा। लेकिन ये अगर यहाँ से जाता है अपने $2 या उसके ऊपर, तो यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो डोज कॉइन को यहाँ से बाई किया जा सकता है, डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और ये काफ़ी ऊपर है अभी, लेकिन फिर भी ये यहाँ से बाई किया जा सकता है। थर्ड कॉइन लेते हैं, ये है पेपे कॉइन, और इसका जो मार्केट कैप है वो 9 बिलियन का है, एज कम्पेयर टू डोज जो 64 बिलियन का है, और इसकी रैंक 27 है एज कम्पेयर टू डोज 7 इसकी रैंक है। तो कंपैरेटिवली ये डोज से अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसका जो करंट प्राइस है 0.4x021 है, और अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ये सिर्फ 11% ही डाउन है। तो अगर यहाँ से अपने ऑल टाइम को टच करता है, तो ये सिर्फ काफ़ी, इसकी काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये इसका जो कंपैरेटिवली इसकी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है। और जैसे ही मीम सीज़न आएगा, मीम सीज़न वैसे होता क्या है, जैसे अभी बिटकॉइन प्राइस है तो ये कंटिन्यूस तो रैली अप होगा नहीं, तो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे कहीं पे भी ये होल्ड करता है, मतलब अपने एक लेवल पे रहता है, तो वहाँ से जो सबसे पहले जो मनी फ्लो आता है वो आएगा इथेरियम, उसके बाद आता है मीम कॉइन, और वहाँ से एक तरह से रैली स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे अगर पेपे की बात करें, तो पेपे हमें यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो मुझे यहाँ से उम्मीद 5 से 7 गुना के पेपे की है इसकी करंट की प्राइस से। और अगर आप पहले से होल्ड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे होल्ड करते रहिए। फ्रेंड्स, तो सिर्फ आज के ये 3 कॉइन थे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेली मैं यहाँ पे 1 या 2 या 3 कॉइन का रिकमेंडेशन लेकर आऊँगा, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।